इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। 3 करोड़ लागत से उज्जैन में प्रशिक्षण केंद्र के छात्रावास का भूमि लोकार्पण, और यहां से जाने के बाद खुली जेल में भैरवगढ़ के अंदर 3 करोड़ 25 लाख की लागत से उसका भी हम लोकार्पण कर रहे हैं। ताली वाली बजाते जाओ, इतने लिए आपको सौगात दे रहा हूं। लगभग 1 करोड़ की लागत से पुलिस आवास के विभिन्न कामों का लोकार्पण हो रहा है। आख्या जागीर के हायर सेकेंडरी फिर वापस घटिया का नंबर आया है। जोरदार ताली बजा। 75 लाख की लागत से आपके स्कूल का उन्नयन करना है। हमारे अनुसूचित जाति बच्चों के लिए और ओबीसी के बच्चों के लिए 27 लाख की लागत से इनके छात्रावास के भवन का भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाए अपने इन कामों के लिए। अर्थात सब मिलाकर के 598 करोड़ की लागत से तो ये क्लोज डक्ट और 218 करोड़ के 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण एक साथ एक ही मंच पे कर रहे हैं, ताकि अपनी सौगात में देर नहीं लगे। मैं क्षमा चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब खड़े होकर के अभिनंदन करेंगे, माननीय मंच भी, माननीय संतों को छोड़ करके सभी लोग खड़े होकर के इतने कामों के लिए खड़े हो जाइए अपने स्थान से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका आभार मुख्यमंत्री जी। अनिल जी ने मेरे पे और वजन चढ़ा दिया, इससे एक साथ दूसरे काम हो गए। एक बार आपके साथ खड़े होकर आभार कराया, अगले काम फिर लाने वाला हूं। बहुत जल्दी उज्जैन नागदा 5000 करोड़ का हमारा 4 लेन का काम भी हो करके चालू होने वाला। 5000 करोड़ का उज्जैन जावरा 4 लेन वाया नागदा होकर के, और लगभग 6000 करोड़ का ये हमारा 4 लेन कम कर रहा है अपना उज्जैन इंदौर, तो इसका भी भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है। वर्तमान के इंदौर रोड का ये 6000 करोड़ का नया काम आ रहा है, और अभी तो इतनी प्रकार की सुविधा और इतनी सौगात मिल रही है। कल अपने उज्जैन से हेलीकॉप्टर सेवा, जिसके माध्यम से एक ही समय में 2 घंटे के अंदर आप अपने उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन करके हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ भी ले सकेंगे। कल का ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसी के साथ हमारे अपने उज्जैन से एक एयर टैक्सी नया विमान चालू कर रहा है छोटा, जिसके माध्यम से जबलपुर जाना है, ग्वालियर जाना है, रीवा, सिंगरौली, हमारे अपने बड़े ऐसे दूर के शहर जिनको जाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, हमारी हवाई यातायात की सेवा मिलेगी विमान से, वो भी उज्जैन के वर्तमान के हवाई पट्टी से, जिसके माध्यम से हम सीधे सीधे 1 घंटे में जबलपुर पहुंच सकेंगे। ये आपकी बड़ी सौगात, बड़ी सुविधा रहेगी, और 1 घंटे में ग्वालियर का रास्ता मिल जाएगा। ये लगातार एक के बाद एक उज्जैन से जो सौगातें मिल रही है, अब ऐसा लग रहा है कि भगवान करे नजर नहीं लग जाए किसी को, उज्जैन का भाग्य बदला है आपके सबके माध्यम से। एक साथ इतने प्रकार के काम, और एक बात, कोई भी कारण से कोई भी गरीब आदमी, आप सब आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना लिया, और अपने परिवार का जिसके पास कार्ड है हॉस्पिटल में भर्ती है, और उसको जाना है अगर कोई हॉस्पिटल से, कोई बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना उसकी जान बचाने के लिए, तो 1 पैसा नहीं लगेगा, और उसको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से इंदौर, दिल्ली, बंबई जहां पहुंचाना है, हमारी सरकार उसकी पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम करेगी। किसी हालत में कोई गरीब आदमी इसके लिए किसी के प्राण चले जाए ये संभव नहीं है। और थोड़ा सा ये भी गुंजाइश दी है कि जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन पैसे वाले हैं, तो उनको भी 2 लाख रुपए में उसकी सुविधा देंगे। ध्यान रखना, अपने पास उनके भी लिए भी जान का महत्व है, पैसे का महत्व नहीं है। व्यक्ति की जान बचाना ये हमारे लिए एक संकल्प है, और इसीलिए
ऐसे बहुत सारे काम, और आज तो ये जो मौका मिला है मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे काम हम करने वाले हैं जिसके माध्यम से अब अपने इस उज्जैन और उज्जैन के साथ इंदौर संभाग के सभी देवस्थान के लिए, और मान के चलिए आने वाले समय में हमारे सभी धार्मिक पर्यटन के, वो पूरे प्रदेश के कोई भी मंदिर है, कोई भी हमारे अपने आदर के केंद्र है, प्रत्येक जगह काम करते हुए हम लगातार विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रखने वाले नहीं है। एक के बाद एक इसी प्रकार से कामों का सिलसिला लगेगा। आज चूंकि थोड़े समय की मर्यादा है, लेकिन फिर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये काम अगर हो रहा है तो ये उनका आशीर्वाद है और वो हमारे उज्जैन के लिए तो शुभंकर है, हमारा सौभाग्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार बाबा महाकाल की कृपा से फिर मंत्रिमंडल बना करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उनके कारण से हमारे कोई देवस्थान, आप कभी कल्पना कर सकते थे हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लिए? मुझे इस बात का आनंद है कि आज से 3 साल पहले बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ तो हमारे उज्जैन की दशा बदल गई। लेकिन आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, वो जो FRB की प्रतिमाएं महाकाल मंदिर में थी जिसके कारण से वो आंधी में उड़ गई थी, हमने अपने उज्जैन में कलाकारों को बुलवाया है और वो प्रतिमा बना रहे हैं। महाराज जी सभी प्रतिमाएं पत्थर की बना करके महाकाल मंदिर में लगाने वाले हैं, एक भी प्रतिमा FRB की नहीं रहेगी, सब ठोस पत्थर की बनेगी। और इतना ही नहीं, महाकाल में तो बनेगी और लगेगी, उज्जैन में प्रतिमा बनाने का नया कारखाना चालू कर रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश में पहुंचा सकेंगे अपन प्रतिमाएं। अब जयपुर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, उज्जैन में ही बनेगी प्रतिमाएं। अरे उज्जैन आओ, नहाओ दो, छिपराजी में महाकाल दर्शन करो, आपके मंदिर में भगवान की स्थापना करना है तो उज्जैन से ले जाओ नहीं भगवान, उसमें क्या तकलीफ है, यही प्रतिमा मिलेगी, हमारे लोगों को काम मिलेगा, प्रदेश में रोजगार मिलेगा। और यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना बताओ अपने हिसाब से। और आगे पीतल की प्रतिमाएं भी, हमारी सभी प्रकार की पीतल की प्रतिमा के साथ साथ पूजा पाठ के सभी प्रकार के संसाधन जो हमारे पात्र काम में आते हैं वो भी अपने मध्य प्रदेश में बनवा करके पूरे देश को सप्लाई कराएंगे, कोई तकलीफ नहीं है इस व्यवस्था में जोड़ने की।